गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की प्रातः के मुख्य खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानें, आप सुन रहे हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश यहां सुबह के मुख्य समाचार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को मोटे अनाज की मिल रही सेहतमंद रोटी। हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के जवानों के भोजन में 30% मोटा अनाज खाने में शामिल किया गया है। इस अनाज में 70% गेहूँ डाला जा रहा है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद CAPF के जवानों के लिए सेहत की रोटी अनिवार्य की गई है। वहीं हिमाचल की कई परियोजनाओं में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवान सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। इन सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनके भोजन में ज्वार, बाजरा, रागी, ककून, कुटकी, कोदो, सावर और चना को 30% शामिल कर दिया गया है। वहीं हिमाचल में मोटे अनाज का उत्पादन न होने और इसका उपयोग कम होने के कारण दुकानदार भी इसकी कम ही सप्लाई लेते हैं। ICC क्रिकेट विश्व कप धर्मशाला में तेज गेंदबाजों के साथ ही स्पिनरों का भी रहेगा दबदबा। तेज गेंदबाजों के लिए मददगार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला की पिचों पर विश्व कप में धीमी गति के लिए कलाई गेंदबाजों और रिस्ट स्पिनर का भी जादू चलेगा। धर्मशाला की पिचों पर तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल मिलता है। इससे तेज गेंदबाज विपक्षी टीम को काफी हद तक परेशान करते हुए विकेट हासिल करते हैं। साथ ही कलाई गेंदबाज अगर स्टिक लाइन पर गेंदबाजी करेंगे तो वे इस अतिरिक्त उछाल से दूसरी टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरह से धराशायी कर सकते हैं। वहीं धर्मशाला में भारत के अलावा 7 विदेशी टीमें विश्व कप के मैच खेलेंगी। शानन पावर प्रोजेक्ट के स्वामित्व पर केंद्र 2 माह में ले फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को शानन पावर प्रोजेक्ट के स्वामित्व पर फैसला लेने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को 2 माह का समय दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने केंद्र सरकार से आशा जताई है कि 2 राज्यों के लंबे समय से चल रहे विवाद को शीघ्र सुलझाया जाएगा। वहीं अदालत ने ऊर्जा मंत्रालय को आदेश दिए हैं कि वो फैसला लेने से पहले सभी पक्षकारों को सुनवाई का मौका दे। अदालत ने इस मामले में हिमाचल, पंजाब और हरियाणा की सरकारों सहित पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को पक्षकार बनाया है। अदालत के समक्ष केंद्र सरकार ने शपथ पत्र दायर किया है कि शानन प्रोजेक्ट के स्वामित्व के लिए हिमाचल प्रदेश ने प्रतिवेदन दायर किया है। कांग्रेस ने बनाई राजनीतिक मामलों की कमेटी, मुख्यमंत्री सुक्खू सहित 25 नेता शामिल। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ल, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, सुक्खू उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा सहित 25 नेता शामिल किए गए हैं। अधिसूचना होने के बाद ही राज्य चयन आयोग शुरू करेगा काम, जाने मामले में कब कब क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन की मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद यह तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं होती। मंत्रिमंडल की बैठक में नए चयन आयोग को मंजूरी दी गई है। इसके बाद अब हमीरपुर में नया चयन आयोग खोलने का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही चयन आयोग के गठन के संदर्भ में अधिसूचना भी जारी हो सकती है। धर्मशाला में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो स्मार्ट सिटी मिशन से बन रही आधुनिक वर्कशॉप। हिमाचल प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक बस डिपो को बनाने की शुरुआत धर्मशाला से की जा सकती है। यहां पर इन दिनों परिवहन निगम द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन से अत्याधुनिक वर्कशॉप बन रही है। साथ ही नए बस टर्मिनल का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार पेट्रोल व डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के अपने दावों को आसानी से साकार कर सकती है। यहां पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और योजना से इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाने के लिए प्लान बनाए जाए तो यह पूरे देश के लिए एक मॉडल डिपो बन सकता है। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में इन दिनों परिवहन निगम की 2 बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं बस टर्मिनल और अत्याधुनिक वर्कशॉप का काम चल रहा है। पूर्व सरकार की योजनाएं बंद करने का प्रयास, जयराम बोले बदले की राजनीति कर रही प्रदेश सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार पूर्व सरकार में शुरू की गई जनहित की योजनाओं को बंद करने का प्रयास कर रही है।
कहा कि यह दुखद है, बदले की राजनीति में इस तरह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आम लोग प्रभावित हों। वर्तमान सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना के बजट को नगण्य करके धीरे धीरे उसे बंद करने का प्रयास कर रही है, जो गलत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार गृहिणी सुविधा योजना के लिए बजट उपलब्ध करवाए ताकि माताओं बहनों को सब्सिडी पर सिलेंडर मिल सके। ठाकुर ने कहा कि बजट न होने की वजह से लोगों को एलपीजी सिलेंडर लेने में अपने जेब से मोटी रकम खर्च कर रहे हैं। कहा कि यह सरकार पूरी तरह से नाकाम है, जनता में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि जन हितैषी योजनाओं को सरकार बंद न करे, इससे प्रदेश के बहुत लोग जुड़े हैं। नशा रोकथाम के लिए स्कूल कॉलेजों में चलेगा विशेष अभियान, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में नशा रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अलावा स्थानीय पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से संदर्भ में सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिए हैं। राज्यपाल को बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ की ओर से पत्र देकर शिक्षण संस्थानों में नशे की रोकथाम के लिए अपील की गई थी। पत्र में कहा था कि प्रदेश में तेजी से फैल रहा नशे का कारोबार चिंता का विषय है। संघ ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। बिजली बेचने खरीदने के लिए ट्रेडिंग डेस्क बनाएगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष से बिजली को बेचने और खरीदने का काम ट्रेडिंग डेस्क के माध्यम से होगा। 31 मार्च 2024 तक बिजली बोर्ड, ऊर्जा निदेशालय और पावर कॉरपोरेशन पूर्व की तरह अलग अलग ही यह काम करते रहेंगे। बिजली से आय बढ़ाने को सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से अलग अलग एजेंसियों की जगह एक ट्रेडिंग डेस्क बनाने का फैसला लिया है। वहीं पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। ट्रेडिंग डेस्क को स्थापित करने का जिम्मा ऊर्जा निदेशालय को सौंपा गया है। निदेशालय की ओर से इस बाबत निजी कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। साधारण किराया एसी बस में एक दिन में करें हिमाचल के बड़े मंदिरों में दर्शन। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC नवरात्र पर श्रद्धालुओं को धार्मिक सर्किट बस सेवा की सौगात देगा। पहली बार HRTC की एक ही बस से श्रद्धालु कई धार्मिक स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा एक दिन की रहेगी, सुबह शुरू होकर शाम को खत्म हो जाएगी। वहीं यात्रियों से बसों का सामान्य किराया वसूला जाएगा। खास बात यह रहेगी कि श्रद्धालुओं को सरकार की सुगम दर्शन योजना की भी सुविधा मिलेगी। धार्मिक सर्किट में HRTC हिमधारा AC 2x3 बसों का संचालन करेगा। तो ये हैं प्रातः की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम, दुआ तवीजों द्वारा किया कराया, घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म, गृह क्लेश काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।